दोस्तों पहले जो ये लंबी वाली पाइप है वो हमें डालनी है इनके अंदर जो हमें मिला है, इनको पूरा अंदर डाल देना है। दोनों साइड होंगे आपके तो दोनों साइड से डाल देना है। और फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरह से डाल देना है। फिर आपको कुछ ऐसे होल्डर जैसे मिले होंगे वाइट कलर के, वो आपको इनके नीचे लगा देना और ऊपर लगा देना, दोनों साइड से लगा देना है और चारों ओर से लगा देना आपको, जिससे कि ये टिक जाए। तो अभी हमने इस साइड से लगा लिया, अब हम दूसरी साइड से लगाएंगे। अभी हमने दोनों साइड से लगा लिया है। अभी ये देखिए दोनों साइड जो है लग चुकी है। तो अभी हमारे पास कुछ छोटे से पाइप होंगे, जो कि चार पाइप हैं। तो अब हम ये बड़े पाइप इधर लगा देंगे। इन होल्डर पे हमें इनको ऐसे लगाना है दोनों तरफ से, एक इधर से लगाना है और दूसरा वाला उस साइड से लगाना है। ये ऐसा अटका लेना है। उसके बाद जो दूसरी तरफ है ये वाली, उस तरफ से भी लगा लेना है, ये वाली तरफ जो मैंने अभी आपको दिखाई। तो अभी हमने ये चारों ओर से लगा देना है ऐसे दोनों ओर से। तो ये लग चुका है। अब हमारे पास चार जो ये पोल बचे हैं छोटे वाले, इनको हमें लगाना है साइड पे। तो देख सकते हैं आप ये, तो हमें इनको ऐसे साइड पे लगा देना है। ये एक ऐसे लगेगा, चारों ओर से ऐसे लगेंगे और फिर ये सीधा हो जाएगा। तो ये एकदम सीधा हो जाएगा और उसके बाद ये फिट हो जाएगा एकदम रैक में। तो ये देखिए हमने लगा दिया है। और अब जो है हम आपको रैक दिखाते हैं, जो हमने चार रैक्स हैं उसमें शू रखने के लिए। तो एक दो तीन जो हैं ये ऑलरेडी, और ये हम चौथा जो हमने आपको बना के दिखाया, ये ऐसे ही बनेंगे, बस इनको एक के ऊपर एक लगाना है और ये बन जाएंगे। और हमें इसके साथ एक एक्स्ट्रा पाइप्स भी मिले थे और एक कवर भी मिला था उसका, तो वो कवर भी हम इसका भी आपको लगा के दिखाते हैं। तो ये रहा इसका कवर और ये कुछ ऐसा है। तो हाँ, और ये हमने जो लगा दिया ये कुछ ऐसा लगता है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें शूज़ रख के कैसे लगता है। तो गाइस ये कुछ ऐसा लगता है जूते रखने पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।